आज मैं आपको आटे से पूजा की थाली डेकोरेट करना सिखाने वाली हूँ। पांच रुई की बत्ती जैसे बनाते हैं वैसे गोल गोल बना लेंगे। फिर इसको हम देखिए ऐसे करके गोल गोल बीच में थाली में गोल करके रख देंगे। फिर मैंने इतनी बड़ी बड़ी चार बनाई हैं, ये देखिए माप के आप देख लीजिएगा। और फिर इस तरीके से मैंने साथिये का इसे रूप दिया है, ये देखिए ये मैंने इसको साथिये का रूप दिया है। इस तरीके से मैंने जो चार बड़ी वाली बनाई थी अच्छी तरीके से डेकोरेट करके मैंने इसे बनाया है। अब इसमें जो हमने चार और हमारी छोटी छोटी बत्ती बची हैं, अब उससे भी हम गोल गोल चारों तरफ बना लेंगे। ये गोल गोल का क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे चल के दिखाने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथिये के चारों कोनों में हमने इस तरीके से गोल गोल करके इसका डिज़ाइन बना लेना है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसे ही बनाने। अब हम बनाएंगे दिया। दिया आप जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं, एक मुंह वाला भी बना सकते हैं, चार मुंह वाला भी बना सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ गणेश जी, ये देखिए आटे से मैंने छोटे से गणेश जी बनाए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं गणेश जी। और इनका ये बनाया मैंने मुकुट, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं आपको थाली दिखाती हूँ कि कैसी दिखती है, देखो इतनी सुंदर लगती। अब हम इसे वाटर कलर करेंगे। आप वाटर कलर में कोई भी कलर कर सकते हैं, मैं मुझे येलो और रेड ज़्यादा अच्छा लगता है, ग्रीन अच्छा लगता है, तो मैं उसी हिसाब से कलर करती हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसको डेकोरेट किया है, और ये मैंने जो गोल गोल हैं ये बनाए हैं ये मैंने रेड कलर से कर दिया। अब इसमें मैंने येल्लो कलर के डॉट्स दे दिए हैं, और जो मैंने साथिये में येल्लो कलर भरा था उसमें रेड कलर के डॉट्स दिए थे। और मैंने जो दिया बनाया है उसमें ऑरेंज कलर का दिया बनाया है, और गणेश जी को भी मैंने येलो कलर कर दिया, और उनके जो मुकुट है उसमें ऑरेंज कलर किया है। आप जैसा चाहें वैसा कलर दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, मैंने अपनी पसंद के हिसाब से कलर किया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम दिए को बीच में रख देंगे। अब हम फूलों से थाली को डेकोरेट करेंगे। आप जैसा चाहें वैसा फूलों से डेकोरेट कर सकते हैं, आपके पास जैसे फूल अवेलेबल हों। अब मैंने एक में कुमकुम भरा है, एक में मैंने चंदन भरा, एक में चावल भरा, और एक में रख दी मैंने सुपारी, थोड़ा कलावा रख दिया और पानी रख दिया, आप जो चाहें रख सकते हैं। मैंने अब मैं बत्ती आपको जला के दिखाती हूँ, देखिए कितनी सुंदर लगती है थाली। अब हम इसे हम पूजा कर सकते हैं। आप इस पूजा की थाली को किसी भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहे। देखिए मैंने मंदिर में इससे पूजा करी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है थाली, बहुत सुंदर लगती है। डेकोरेट करने के बाद आप इसमें अपनी एक्टिविटी भी और लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।